नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में हम वर्चुअली टूर करने जा रहे हैं राजस्थान के पुष्कर यानी स्वयं ब्रह्मा जी की नगरी, या फिर कहूँ इसे मंदिरों का शहर, जिसके बारे में YouTube पे हजारों वीडियोस बने हुए हैं। लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर आपको 12 से 13 मिनट की एक ही वीडियो में पुष्कर के बारे में सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो? जी हाँ, जैसे कि तीर्थराज पुष्कर कब और कैसे पहुंचा जा सकता है, डिटेल में यहाँ की सभी फेमस और अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस, स्ट्रीट फूड्स, शॉपिंग, रोप वे, विशाल मेले और कैमल और डेजर्ट सफारी के बारे में। तो पुष्कर के इस छोटे से नज़ारे के साथ शुरू करते हैं। मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं चूर्णो। सबसे पहले आपको बता दूं, पुष्कर राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो अजमेर सिटी से सिर्फ 15 किलोमीटर और राजधानी जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने का सबसे इजीएस्ट वे है अजमेर तक ट्रेन करो और फिर अजमेर से बसेस, कैब या बाइक, स्कूटी रेंट करके। रिसेंटली अभी दिल्ली से अजमेर तक वंदे भारत एक्सप्रेस भी स्टार्ट हो गई है, जो दिल्ली से अजमेर सिर्फ 5 घंटे के आसपास लेती है। इसके अलावा बाय एयर आना चाहते हो तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट किशनगढ़ में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुष्कर एक छोटा सा 30 से 40,000 आबादी वाला शहर है, जहाँ के लगभग सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस वॉकिंग डिस्टेंस के एरिया में है, जहाँ के लिए एक से दो दिन सफिशिएंट है। क्लाइमेट के हिसाब से जुलाई से मार्च बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन एक तीर्थ स्थल होने के नाते यहाँ पूरे साल श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं, और स्पेशली अक्टूबर नवंबर में 5 दिन चलने वाले पुष्कर मेले और होली के टाइम पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ ठहरने के लिए बजट फ्रेंडली होटल्स के साथ एक से बढ़कर एक एक्सपेंसिव लग्जरी होटल्स भी मौजूद है। अब पुष्कर पहुंचने के बाद हमारी फर्स्ट लोकेशन है नन अदर देन पुष्कर लेक। एंशियंट कथाओं के अनुसार पंच सरोवर यानी 5 पवित्र झीलों में से सबसे पवित्र पुष्कर को माना जाता है। आखिर यहाँ स्वयं नारायण को जल के रूप में बताया है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था, जिसके बाद इसे आर्टिफिशियली रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, जो करंटली 54 एकर्स में फैली है। पौराणिक महत्व के अनुसार यहाँ महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की, वेदों को यहाँ अंतिम रूप से संकलन और लिपिबद्ध किया, और गुरु गोविंद जी ने यहाँ गुरु ग्रंथ का पाठ किया था। इतना ही नहीं, कहते हैं कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान यहाँ किया था, और इन्हीं से इंस्पायर्ड यहाँ गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ किया गया था। साथ ही आपको बता दूं, इस सरोवर में करीब 52 घाट है, जिनमें सबसे बड़ा जयपुर घाट, सबसे पवित्र गौ घाट, सिखों के लिए गोविंद घाट, मुख्य घाट ब्रह्मा घाट और प्रधान घाट वरा घाट है, जहाँ की शाम की महाआरती देखने लायक है। कहते हैं कि यहाँ पर डुबकी लगाने से सारे पाप दूर होते हैं, शरीर ऊर्जावान होता है और सारे त्वचा रोग ठीक होते हैं। लेकिन यहाँ पर कपड़े धोना, साबुन, शैम्पू, दातून, कुल्ला, फिशिंग, ये सब बैन है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार पुष्कर दुनिया के 10 सबसे धार्मिक स्थानों में से एक और भारत में हिंदुओं के 5 सबसे पवित्र स्थानों में से एक बताया है। चलिए नंबर 2 लोकेशन है हमारी विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा टेम्पल। जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर इसी झील के पास में है, जिसका ऊपरी हिस्सा रेड स्टोन से बना हुआ लगता है, और यहाँ ब्रह्मा जी के साथ गायत्री देवी विराजमान है। करीब 2000 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर, जिसे 14th सेंचुरी में रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था विश्वामित्र के द्वारा। इस मंदिर की यूनिक बात तो यह है कि ये विश्व का एकमात्र 4 मुखी ब्रह्मा मंदिर है, जिनमें इनकी विधिवत रूप से पूजा होती है, वो भी सिर्फ साधु संत और बिना गृहस्थी वाले पुरुषों के द्वारा। वैसे आज ब्रह्मा मंदिर कई जगह है, जैसे बाड़मेर के आसोत्रा, बांसवाड़ा के छीच, साउथ इंडिया, कंबोडिया और बैंकॉक जैसे कई स्थानों पर। नंबर 3 पर है पुष्कर फेर। यहाँ हर साल अक्टूबर नवंबर यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन भव्य मेले का ऑर्गेनाइज किया जाता है राजस्थान टूरिज्म के द्वारा। इस मेले के टाइम पर अगर आप यहाँ पर नहीं आ पाते तो आपको देखने को मिलेगा ये सिर्फ खाली पुष्कर मेला ग्राउंड। आपको बता दूं, ये एशिया का बिगेस्ट कैमल फेयर है, जहाँ इस मेले में करीब 2 लाख से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं, एंड दैट्स व्हाई इसे मेरवाड़ा का कुंभ और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। इसी के साथ बीते कुछ सालों पर यहाँ पर फॉरेन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ के लोकल अनपढ़ बच्चे, बूढ़े और औरतें इंग्लिश जैसे कई फॉरेन लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। थैंक यू, बट आई डोंट गोइंग स्कूल। सो दिस पीपल आस्किंग, ओह, 10 चिल्ड्रन। नहीं, हां, मां हूं, होशिश है ना, मां से कांटेक्ट।
वहीं इस मेले में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, घाटों में दीपदान, महाआरती, कल्चरल एक्टिविटीज, कई गेम्स के कॉम्पिटिशंस जैसे फॉरेनर्स के साथ क्रिकेट, ठग ऑफ वार, अंग्रेज और लोकल्स के करतब, एनिमल्स के डांसिंग और ड्रेसिंग, लंबी मूछ और दुल्हन प्रतियोगिता जैसे कई प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 4 पे है पुष्कर की फेमस होली सेलिब्रेशन। जी हाँ, ये कोई लोकेशन तो नहीं, बट यहाँ की होली बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ देश विदेश से काफी पर्यटक आते हैं इसमें शामिल होने के लिए। यहाँ गजब के साउंड सिस्टम के साथ प्राचीन भांग भी सर्व की जाती है, जिसके बाद यहाँ का एक्सपीरियंस ना बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंजॉयबल होता है। हाँ, पर एक बात जरूर से नोट कर लेना, पुष्कर मेले और होली के टाइम पे ये छोटा सा शहर फुल हो जाता है। I mean, यहाँ की होटल्स और PG बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इसलिए हो सके तो पहले ही बुक करवा ले आप। नेक्स्ट 5th लोकेशन है सावित्री माता टेम्पल। ये फेमस टेम्पल ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता को समर्पित है, जो पुष्कर के दक्षिण में रत्नागिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ये रोप वे, जो राजस्थान का तीसरा रोप वे है, जिसकी शुरुआत 3 मई 2016 में की गई थी। तो आप यहाँ पर रोप वे ले सकते हैं। इस रोप वे के अलावा ऊपर 700 सीढ़ियां चढ़कर भी पहुंचा जा सकता है, और इसका भी अलग ही मजा है, क्योंकि ऊपर से जो पुष्कर शहर के नजारे मिलते हैं ना, अमेजिंग है। अगली नंबर 6th लोकेशन है गायत्री माता टेम्पल। गायत्री माता सावित्री माता के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में विराजमान है, पुष्कर के नीलगिरी पहाड़ी पर। इसे पाप मोचनी टेम्पल भी कहा जाता है, जहां ऊपर पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, बट यहां के नजारे और माता के आशीर्वाद के लिए वर्थ इट है। नेक्स्ट 7th प्लेस है रंगजी टेम्पल। रंगजी टेम्पल, जिसे ओल्ड रंगजी टेम्पल भी कहा जाता है, जो नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन स्टाइल का पहला टेम्पल है, जो भगवान विष्णु को समर्पित द्रविड़ भारत कला में निर्मित है। इसे 1834 में सेठ पूरन मल ने बनवाया था, और दिलचस्प बात तो है कि यहाँ के पुजारी भी द्रविड़ भारत के हैं। अगली 8th प्लेस है श्री रामा वेंकुटनाथ स्वामी टेम्पल। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को न्यू रंगजी टेम्पल भी कहा जाता है, जो अगेन साउथ इंडियन आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल है। इसके बाद 9th लोकेशन है पुष्कर का प्राचीन वरहा टेम्पल। ये मंदिर जंगली सुअर के रूप में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार को समर्पित है, जो पृथ्वी को पाताल लोक से ले आए थे। इस मंदिर की प्रतिमा को पहले जहांगीर ने पुष्कर जेल में फिकवा दिया था, और फिर औरंगजेब ने तो इस मंदिर को ही नष्ट कर दिया था, जिसे बाद में जयपुर के सवाई मानसिंह द्वारा पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारी 10th प्लेस है अटमेश्वर महादेव, जो शिवजी और ब्रह्मा जी की लीलाओं को समर्पित 18th सेंचुरी का एक अंडरग्राउंड टेम्पल है, जहाँ की शिवरात्रि प्रसिद्ध है। इन सभी मंदिरों के बाद हमारी 11th लोकेशन है यहाँ का गुरुद्वारा साहिब। व्हाइट मार्बल से बना यह विशाल गुरुद्वारा सिखों के फर्स्ट गुरु गुरु नानक जी और 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की पुष्कर यात्राओं को समर्पित है। दोस्तों, अब जरा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं खाने पीने के लिए। जी हाँ, तो आपको बता दूं, पुष्कर एक हिंदू रिलीजियस लोकेशन होने के नाते यहाँ पर नॉनवेज बैन है, तो वेज में यहाँ पर फेमस है फलाफल लाफा और यहाँ का डिलीशियस टेस्टी मालपुआ। इनके अलावा यहाँ गुलाब से बनी लस्सी और गुलकंद भी फेमस है, जो यहाँ के प्रसिद्ध गुलाब से निर्मित होती है, जिसे गुलाब जल भी बनाया जाता है। और अधिकतर पुष्कर का गुलाब अजमेर के ख्वाजा साहिब को चढ़ाया जाता है। ऐसे पुष्कर के गानाहेड़ा में राज्य की पहली पुष्प मंडी भी मौजूद है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट यहाँ पर शॉपिंग की, तो पुष्कर का ब्रह्मा मार्केट बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ कई प्रकार के राजस्थानी आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, डेकोरेटिव आइटम्स, टॉयज, ज्वेलरी, क्लोथिंग, यूटेंसिल्स और तलवारों जैसे कई वेपन्स की खरीदारी की जा सकती है। नेक्स्ट नंबर 15 पे है पुष्कर के कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज भी, जैसे कि पासी में स्थित डेजर्ट एरिया में आप डेजर्ट सफारी को एंजॉय कर सकते हैं, रात को कैंपिंग कर सकते हैं, कैमल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं, हॉट एयर बलून के मजे ले सकते हैं और मॉनसून में पुष्कर घाटी को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 16 पे है बूढ़ा पुष्कर। पुष्कर के नॉर्थ में 5 किलोमीटर की दूरी पर है बूढ़ा पुष्कर, जिसे ब्रह्मा जी के तीसरे पुष्प की पंखुड़ी से उत्पन्न माना जाता है। इसे रुद्र पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य पुष्कर से छोटा है। और बूढ़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार औरंगजेब ने यहाँ स्नान किया था, इससे वो बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगा था। आपको बता दूं, इस सरोवर की उतनी ही मान्यता बताई है जितने की मुख्य पुष्कर की, तो इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। नंबर 17 इज मध्य पुष्कर। ये भी बूढ़ा पुष्कर के पास ही में है, ठीक गायत्री माता वाले नीलगिरी पर्वत के एंड पर, जहाँ पर एक बावड़ी बनी हुई है जो काफी प्राचीन है। वैसे यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। नंबर 18 इज चामुंडा माता। पुष्कर के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर पुरोहता पर्वत के पास ही में स्थित है चामुंडा माता, या कहूँ श्री राज राजेश्वरी पुरोहता मणि वैदिक शक्ति पीठ, जो माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहाँ पर माता की रिष्ट यानी खंड कलाई भाग विद्यमान है। तो इस शक्तिपीठ के दर्शन अवश्य करें। नेक्स्ट, अब आगे के कुछ लोकेशंस मौजूद है पुष्कर के इन बड़ी बड़ी पहाड़ियों के पास में। ये वही पहाड़ियां है जिसके उस पार अजमेर शहर स्थित है। इसी के साथ हमारा 19वां स्थान है श्री पंचकुंड शिव टेम्पल्स, जो पुष्कर से 2 किलोमीटर ईस्टर्न पार्ट में स्थित है, जहाँ पर अज्ञातवास में पांडव ठहरे थे। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पंचकुंड यानी पांचों पांडव की कुंड यहाँ पर मौजूद है।
इसी के पास में पुष्कर का मृगवन भी है, सो आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 20 इज यहाँ की गुफा और आश्रम्स। जी हाँ दोस्तों, पुष्कर को शुरू से ही ऋषि मुनियों का तपस्या और साधना का स्थान के रूप में जाना जाता है, जहाँ आज भी कई ऐसे गुफा और शांति तप वाले आश्रम मौजूद है, जैसे कि वामदेव गुफा, श्री अगस्त्य मुनि केव और श्री विश्वामित्र आश्रम, जहाँ पर मेडिटेशन और शांति के इंटरनल वाइब्रेशंस को महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पुष्कर से थोड़ा सा दूर 9 किलोमीटर दक्षिण में अजमेर की ओर है बाबा अजीपाल टेम्पल, जहाँ पर पहुँचने का रास्ता ही अमेजिंग है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये 11th सेंचुरी का टेम्पल, जहाँ पर अजमेर के फाउंडर अजयपाल ने तपस्या की थी। इस लोकेशन से जो पिक्चर्स के नज़ारे मिलते हैं ना, गजब के हैं। यहाँ से पास ही में स्थित है आलू बाबा आश्रम, और इस आश्रम की खास बात यह है कि यहाँ पर एक बाबा केवल आलू खाकर जीवन चलाते हैं। रोटी दाल चावल कोई भी चीज नहीं, सिर्फ आलू खाता हूँ, बस आलू खाता हूँ, इसलिए सब आलू बाबा बोलने लगे। इन सभी प्लेसेस के अलावा पुष्कर में 500 प्लस मंदिर है, जिनमें चित्रकूट टेम्पल, रामधाम ट्रस्ट, नवखंडिया बालाजी जैसे बहुत सारी और भी लोकेशंस है। दोस्तों जाते जाते पुष्कर की कुछ रोचक बातें भी जान लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू ग्रंथ पद्म पुराण, ब्रह्मा जी ने वज्र नामक राक्षस का अंत अपने हथियार कमल के फूल से किया था, तभी इसी फूल की 3 पंखुड़ियां धरती पर गिरी और पृथ्वी पर ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर की उत्पत्ति हुई, और इसी से ब्रह्मा के कमल से पुष्प और ब्रह्मा के हाथों से कर से हमें पुष्कर का नाम मिला। फिर एक बार ब्रह्मा जी को यहाँ पर एक यज्ञ कराना था, जिसमें भाग लेने हेतु अपनी पत्नी सावित्री को बुलवाया अपने बेटे नारद जी से कहकर, और नारद जी ठहरे देवता में झगड़ा कराने वाले, तो उन्होंने अपनी माता सावित्री जी से ये कहा कि वो ऐसे ही नहीं बल्कि 16 सिंगार करके अपने सखियों के साथ पधारे, और इस चक्कर में सावित्री जी लेट हो जाती है। इधर ब्रह्मा जी क्रोधित होकर इंद्र को आदेश देते हैं इस यज्ञ के लिए एक कुंवारी कन्या के साथ गंधर्व विवाह के लिए, तो इंद्र देव को एक दूध वाले किसान की बेटी मिली, जिसे देवताओं ने गाय से 3 बार होकर पवित्र किया, और इस 3 बार गाय की क्रिया से गायत्री माता और गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया, तभी सावित्री देवी यहाँ पहुँच जाती है और ये सब देखकर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप देती है कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी संसार में कभी पूजा नहीं होगी, और इंद्रदेव को सदा युद्ध में हारने की, विष्णु को मानव रूप में पत्नी के चक्र में वन में भटकना, और श्राप दिया ब्राह्मणों को क्योंकि ये सब यहाँ पर मौजूद थे। फिर बाद में गायत्री माता इन श्रापों को थोड़ा ठंडा करती है, जैसे कि ब्रह्मा की पूजा केवल पुष्कर में होगी और पुष्कर तीर्थों का राजा होगा, इंद्र हमेशा स्वर्ग में बने रहेंगे, विष्णु का रामावतार और पुजारी हमेशा विद्वान बने रहेंगे। इन सब के बाद सावित्री माता पुष्कर के रत्नागिरी पहाड़ी पर बैठ जाती है, जबकि गायत्री माता ठीक इनके विपरीत छोर उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी पर विराजती है। ठीक है, तो इसलिए पुष्कर को इतना पूजा जाता है। अंत में यही कहना चाहूंगा, यहाँ भक्त आते हैं दूध की तरह और जम जाते हैं दही की तरह। जिस भूमि पर सभी ऋषि महात्मा के सिर झुक जावे, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा विराजे, ऐसी पावन भूमि को नमन बारंबार है। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। आपको पुष्कर में क्या अच्छा लगा? मिलते हैं जल्द, टिल देन जय हिंद।